नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर करने जा रहा हूँ वो है विंसी प्रीमियर लीग का 13वां मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाने वाला है टीम SPB वर्सेस टीम FCS के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों टीम की ओर से ओपन कौन से प्लेयर्स करने आएंगे, कौन से प्लेयर्स दोनों टीम की ओर से डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएंगे, कौन सा प्लेयर आपके लिए जैकपॉट रहेगा, किस प्लेयर को आप लोग हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हैं और आप लोग किस प्लेयर को अपनी GL टीम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां आपको मैं वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो इसीलिए वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इस मैच में कुछ विन करना चाहते हैं या फिर कुछ अर्न करना चाहते हैं तो बाकी जो भी मेरी फ़ाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फ़ाइनल टीम होगी इस मैच से रिलेटेड, जो भी मेरी अपडेट होगी लाइनअप या टॉस के बाद, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी जहाँ पर करेंटली अभी 4000 से ज़्यादा मेंबर्स जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। जो मेरी 100% विनिंग टीम होती है, जिस टीम के साथ मैं खुद कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता हूँ, वो टीम भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाना, जिसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पे कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करते ही सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम मिल जाएगा, जिसको आप लोग सर्च कर भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इम्पॉर्टेंट लगे, तो एक लाइक ज़रूर वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारे चैनल्स की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, पास में जो घंटा उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले दोनों टीम्स के प्रीव्यू की, तो यहाँ पर जो टीम रहने वाली है साल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स, वो लगातार अपने दो मुकाबले हार के आ रही है और उन्होंने अपने दो मुकाबले जीते भी हैं। तो टूर्नामेंट में देखा जाए तो उन्होंने 5 मुकाबलों में से अपने दो मुकाबले जो हैं वो जीते हैं और बाकी मुकाबले अपने हारे हैं। इन्होंने जो अपना लास्ट मुकाबला था वो हाइकर्स के अगेंस्ट लॉस किया था 31 रनों से, जहां पर इनको 123 रन चेस करने थे और वो ये चेस नहीं कर पाए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्ट्राइकर्स की, तो काफ़ी ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस देने के बाद इनको लास्ट 5 मैचेस में से सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत मिली है। उसके अलावा ये एक हेड टू हेड मैच भी खेल चुके हैं, मतलब अगेंस्ट साल्ट पॉइंट ब्रेकर्स के, जहाँ पर देखा जाए तो एक बार ये जीते हैं और 2 बार ये हारे हैं साल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स के खिलाफ। तो आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वीक टीम ये रहने वाली है स्ट्राइकर्स की, और लास्ट ईयर भी देख सकते हैं कि दोनों मुकाबले जो भी हुए थे वो सारे साल्ट पॉन्ड ब्रेकर्स ही जीता था इनके अगेंस्ट। वेदर की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा वेदर है, कोई भी आपको रेन का इशू नहीं आएगा मैच के दौरान, तो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जो विकेट है वो हमेशा चेंज की जाती है, तो आज भी हो सकता है कि जो विकेट है वो चेंज होगी, और जो न्यू विकेट होती है वो हमेशा बैट्समैन को मदद करती है, तो इसीलिए आज आपको जो टीम क्रिएट करनी है वो बैट्समैन के फेवर में करनी है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 93 रनों का है। जो भी टीम चेस कर रही है वो यहाँ पर 60% चांसेस होते हैं उसके मैच विन करने के। प्लेइंग 11 की मैं बात करूँ तो साल्ट पॉइंट ब्रेकर्स की ओर से डेशॉन होयटे, जेरमी हेवुड, जेवॉन सैमुअल, ओजीको विलियम्स, जेरमी लेन, रिक फोल्ड वॉकर, स्विन स्विन, शेल्डन हुपर, डेलरॉन जॉनसन, टीजॉन पॉप और कोडी ग्रांट आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। स्ट्राइकर्स की ओर से आपको स्टो स्लोरी विलियम्स, काश्मेर शेकशॉ, गेरोन विली, निगेल स्मॉल, रशीद फ्रेडरिक्स, रे जॉर्डन, शकीली ब्राउनी, गेटरॉन पॉप, माइल्स बेशकॉम, लेवस्वान लुइस आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ दोनों टीम्स के टॉपिक्स की, तो पहला नाम आपके लिए आएगा सुनील एम्ब्रिस का, बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कमाल का परफॉर्मेंस दे सकते हैं और एवरेज 60 से ज़्यादा पॉइंट हर एक मैच में ये दे रहे हैं। उसके अलावा क्रिस्टियन लोविया को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, पिछले दो मुकाबले से ये विकेट्स भी निकाल रहे हैं और रन भी बना रहे हैं और आपके लिए गुड कैप्टन ऑप्शन भी रहने वाले हैं ग्रांड लीग में। बाकी मैं बात करूँ डेलरॉन जॉनसन की, तो ये भी काफ़ी शानदार प्लेयर रहने वाला है, स्ट्राइकर बॉलर रहने वाला है और इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं विकेट निकालने के, क्योंकि ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हैं, तो आप इनको भी अपनी टीम में रखिएगा। लास्ट मेरा प्लेयर जो रहने वाले हैं वो यहाँ पे हैं स्विन स्विन, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, अपर मिडल ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं, 3 पारियों में 70 रन बना चुके हैं और साथ में विकेट कीपिंग भी काफ़ी शानदार ये कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको यहाँ पर ये 4 प्लेयर्स बताए हैं, इनको आप लोग ज़रूर अपनी टीम में सेलेक्ट करिएगा।
अगर मैं बात करूं कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाए, तो कैप्टन आप सुनील एम्बरीस केल्टन लाविया को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन स्वीन ओडेलरॉन जॉनसन को आप लोग दे सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस मेरी यही है कि जो साल्ट पॉइंट ब्रेकर्स है उसके दो मुकाबले जो अभी हुए हैं वो उसके बहुत ही ज़्यादा बेकार हुए, वहाँ पर इनकी जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन जो टीम स्ट्राइकर्स है इनके अगेंस्ट इनका हमेशा अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है, तो आज भी इनकी टीम जीत सकती है। एक्सपर्ट एडवाइस मेरी यही है कि जो हर एक 4-5 मैच के बाद पिच जो है वो चेंज होती है, और आज भी शायद विकेट चेंज हो, और अगर विकेट चेंज होती है तो आपको अपनी टीम में टॉप ऑर्डर बैट्समैन और डेथ ओवर्स के बॉलर्स को अपनी टीम में जगह दे देनी है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर वीडियो को कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरे चैनल्स की वीडियोस को वॉच कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटा उसको ज़रूर ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी को आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर ये काम कर लेना। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पर करेंटली भी 4000 से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो सबसे टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन हो, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक करते ही सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेम्बर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। तो ये काम ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन की ओर, जहाँ पर आपको कमाल की टीम्स क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले टीम बनाने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली सबसे स्पष्ट बात कि यहाँ पर अगर विकेट चेंज होता है तो आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को अपनी टीम में जगह दे देनी है, और दूसरे सबसे क्लियर कि यहाँ पर जो सॉल्ट पॉइंट ब्रेकर्स है इसका परफॉर्मेंस ऑलवेज अच्छा रहता है FCS के अगेंस्ट, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स FCS के अपनी टीम में रखने, मतलब नहीं रखने, SPB के रखने हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में हैक्शो ओ विलियम स्विन, जहाँ पर ये दो प्लेयर्स जो हैं वो आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में ये दोनों ओपन किए थे और अच्छा परफॉर्म भी किए थे। स्विन अगर टॉप ऑर्डर टीम का बिखर जाता है तो मिडल ऑर्डर का सबसे क्लासी बैट्समैन है इनकी टीम से, और काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकता है। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए ओ विलियम्स के साथ जाऊँगा, क्योंकि ओपन करने आएंगे और अगर आउट नहीं होते हैं तो एक अच्छी पारी ज़रूर खेलेंगे, तो इसलिए मैं पिक करूंगा। बाकी अगर आप लेना चाहें तो स्विन को ले सकते हैं, क्योंकि जो ओ विलियम्स हैं वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, विकेट कीपिंग यहाँ पर स्विन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पॉइंट जो है वो स्विन ज़्यादा दे सकते हैं। तो अपना दिमाग चलाइएगा यूज़ और समझिएगा कि किसको लेना है। अभी के लिए तो मैं ओ विलियम्स के साथ जा रहा हूँ। बैटिंग की मैं बात करूं, गाइड्रॉन पॉप को यहां पर हम अपनी टीम में ट्राई करेंगे। कर तो ये कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन एक ऐसे प्लेयर हैं जिस मैच में भी अगर ये कुछ कर देंगे तो एक तरफा मैच को अपनी ओर मोड़ देंगे। उसके अलावा थॉमसन को ट्राई करूंगा मैं, थॉमस को सॉरी, और उसके अलावा यहाँ पर मैं बैशकॉम को लूँगा। बाकी कैप पीटर्स बैटिंग सेक्शन में नेम तो आता है, लेकिन लास्ट मैच में शायद नंबर 8 या 9 पर बैटिंग आई थी इन भाई की, तो यहाँ पर मैं इनको पिक करने वाला नहीं हूँ। तो मैंने टोटल यहाँ पर मेन 3 बैट्समैन को सेलेक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये और ये अम्बरीश और लावियन दोनों को तो पिक कर लेना, क्योंकि ये दोनों प्लेयर तो कन्फर्म है अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सेरेलोरी विलियम्स और यहाँ पे होइटे को किसको पिक करें। देखिए, अगर इनकी जो टीम है वो सेम प्लेइंग 11 के साथ खेलती है जैसा कल खेली थी, तो वहाँ पर इनको सिर्फ एक ओवर की बॉलिंग मिलेगी या फिर बॉलिंग भी ना मिले। उसके अलावा सेरेलोरी विलियम्स की मैं बात करूँ तो ये थोड़ा आपको बैटिंग से भी पॉइंट करके दे सकते हैं, और अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए तो वहाँ से भी आपको ये पॉइंट निकाल कर दे सकते हैं। तो अगर आप इनको ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, अगर लेना चाहें तो आप यहाँ पर 2-4 ऑलराउंडर्स के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर 4 ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे तो आप लोग मेन बॉलर्स को अपनी टीम में जगह नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपको होल्टे या सेरेलोरी विलियम्स में से किसी एक को ड्रॉप करना है, तो यहाँ पर मैं सेरेलोरी विलियम्स को ड्रॉप करूँगा, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा है SPV के अगेंस्ट। उसके अलावा मैं बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे डेलरॉन जॉनसन को पिक करूँगा, जो कि आपको डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे। रे जॉर्डन को मैं पिक करूँगा, जेरमी लेन को मैं पिक करूँगा, और जो आखिरी हमारी पिक यहाँ पर निकलेगी वो बचेगी एक तो सैमुअल की और उसके अलावा वाइली की। तो देखिए, जो वाइली हैं वो आपको बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे 5 ओवर हो के बाद, तो हो सकता है कि अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो इनको मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी टीम अगर कम स्कोर खड़ा करेगी तो जो टीम SPB है वो उसको 2 से 4 ओवरों के अंदर चेस कर डालेगी।
तो यहाँ पर मैं इनको तो पिक नहीं करने वाला हूँ। सैमुअल की मैं बात करूँ, पिछला मुकाबला एक विकेट निकाल रहे हैं, ये विकेट निकालते रहते, तो यहाँ पर मैं इनको पिक कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफा जो टीम क्रिएट की है वो की है एसपीबी के फेवर में। यहाँ पर आप एक सिर्फ चेंज कर सकते हैं कि जॉर्डन को जगह आप यहाँ पर विलियम्स को ट्राई कर सकते हैं, बस। तो आप यहाँ पर समझ लेना आप किसको लेना चाहते हैं। तो यही मेरी जो है वो टीम रहने वाली है। मैंने अपनी इस टीम में 7 प्लेयर जो हैं वो एसपीबी के रखे हैं, 4 प्लेयर मैंने एफसीएस के रखे हैं। कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो मैंने 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर्स, 4 बॉलर्स को ट्राई किया है। जो ज़्यादातर बॉलर जो हमारे पास है वहाँ पर डेथ ओवर्स के बॉलर्स हैं, देखते हैं जॉनसन हो गए हैं, जॉर्डन हो गए हैं, और यहाँ पे लेन ये आपको डेथ ओवर में बॉलिंग कराते हुए नजर आ जाएंगे, और सैमुअल भी अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। टीम प्रीव्यू की मैं बात करूँ तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने विलियम्स को ट्राई किया है, आप यहाँ पर स्विन को भी ले सकते हैं लेकिन विलियम्स ओपन करते हैं। बैटिंग सेक्शन में मैंने पोप को ट्राई किया, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं, थॉमस को लिया है। बाकी मैंने बेस्कॉम को लिया जो कि अपनी टीम के कैप्टन है और अपनी टीम के लिए ओपन कराते नजर आ रहे हैं। एम्बरिस को ट्राई किया जो कि 2 ओवर की बैटिंग, मतलब 2 ओवर की बॉलिंग और बैटिंग करके देंगे। लाविया 2 ओवर की बॉलिंग और बैटिंग करके देंगे। डी होइटे प्लेयर काफ़ी अच्छा है, अगर बॉलिंग मिलती है तो विकेट निकाल कर दे सकता है। उसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में मैंने डेलरॉन जॉनसन को लिया है, डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे। रे जॉर्डन डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे, डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे जर्मी लेन, और बैटिंग भी कर लेते हैं और फील्डिंग काफ़ी शानदार रहती है। और यहाँ पर मैंने सैमुअल को रखा है जो कि हर एक मैच में विकेट निकाल कर आ रहे हैं। अपनी इस टीम में अगर मैं बात करूं कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किसको दी जाए, तो कैप्टेंसी की यहाँ पर सबसे अच्छी पिक एम्बरिस की रहेगी, और वाइस कैप्टेंसी की सबसे अच्छी पिक यहाँ पे लाविया की रहेगी। उसके अलावा आप चाहें तो सैमुअल वगैरह को बना सकते हैं, लेकिन कैप्टन हमारे पास एम्बरिस, वाइस कैप्टन लाविया रहने वाले हैं। तो मैं अपनी इस टीम को सेव कर देता हूँ। आप लोग हमारी टीम का प्रीव्यू इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार मेरे चैनल्स की वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो घंटा उसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी लाइनअप या टॉस के बाद, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जहाँ पर करेंटली 5,000 से ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया हो, वो मेरे चैनल का लिंक होगा, जिस पर क्लिक कर दे सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेंबर्स की तरह फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा पाएंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको सर्च कर कर भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो भाइयों मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जितने भी मैचेस हैं जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें ऑलवेज विन करें हमारी टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।